हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। वी हैव डिसाइडेड टू बी रेगुलर। तो इस बार अब हम पॉपुलर डिमांड पे, जो इंडिया की मोस्ट आइकॉनिक, मोस्ट फेमस और कह सकते हैं इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV है, स्कॉर्पियो N, जो नई शेप आई है, पीछे आप देख भी सकते हैं, उसका फर्स्ट कस्टमर रिव्यू करने। विशाल जी ने गाड़ी लगभग एक महीने पहले ले ली थी और तब से इसे यूज़ कर रहे हैं। तो हम जानेंगे उनसे ही कि इस गाड़ी की क्या क्या खासियत है, क्या बुराइयां हैं, महिंद्रा ने अपनी कमियों पे काम किया है या नहीं किया, और इस बारे में जानेंगे सीधा विशाल जी से। ये है मिस्टर विशाल शौकीन, यह है इनकी कार स्कॉर्पियो N टॉप मॉडल। तो अब हम इनका पहले तो धन्यवाद करेंगे कि ये यहाँ अपनी कार को लेके आए और हमें अपने वैल्यूएबल इंसाइट्स दे रहे हैं कि इस गाड़ी में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो इनसे मिलके हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। हेलो विशाल जी। हेलो निशान। तो चलते हैं कार के अंदर और उधर ही इनसे बात करेंगे कार के बारे में और जानेंगे क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी वेट के, चलते हैं अपनी लॉन्ग ड्राइव पे जिसमें हम बात करेंगे इस कार के बारे में। सो ये है इंटीरियर नई स्कॉर्पियो N का, ये है ओनर, और अब इनसे जानेंगे ड्राइव कंफर्ट कैसा है कार का। देखो जी, ड्राइव तो बहुत अच्छी है गाड़ी की, पहले वाली स्कॉर्पियो के मुकाबले में काफ़ी स्मूथ है गाड़ी है, और तो सारी चीज़ें अच्छी लगी इसकी। एक आधी कमी है बस, इंजन में नॉइज़ ज़्यादा है इसमें, और तो सब बढ़िया है लगभग गाड़ी में। थोड़ी सी बस एक दो चीज़ों की कमी है, जैसे एक गियर है इसमें कोई लॉक नहीं है, मतलब हल्का सा हाथ लगते है, कोई बच्चा भी उसमें वो कर दे, तो कई छोटी मोटी ऐसी कमी है, बाकी तो गाड़ी के कोई कमी नहीं है। तो जैसे फॉर्च्यूनर की ओल्ड शेप आती थी, उसके बाद उन्होंने न्यू शेप में लग्जरियस ट्राई किया कि लग्जरी में लेके जाते हैं ऑफ रोड से, तो आपको क्या लगता है जो स्कॉर्पियो है महिंद्रा, वो भी लग्जरी सेगमेंट में आने का ट्राई कर रही है? हाँ बिल्कुल, देखो ना आप ये सारी चीजें कितना अच्छा, एक तरह से लैंड क्रूजर में आता था इस टाइप का ना इंटीरियर, ये पूरी लग्जरी उसमें बना दी इन्होंने, सीटें काफी कम्फर्ट कर दिया पहले से। तो ये है पहले वाले स्कॉर्पियो में, देखो कुछ भी नहीं है मतलब दरवाजों में, और ये अब तो बहुत ज्यादा काफी ज्यादा लग्जरी उसमें कर दी इन्होंने। हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, आपके पास पुरानी वाली स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर दोनों ही हैं इसके साथ साथ, तो उनके बीच में आप इसे कहाँ कंपेयर करेंगे? देखो जी, वैसे शौक के लिए तो अपनी जो पुराने वाली स्कॉर्पियो है वो अच्छी लगती है, पर जो ड्राइव का और कंफर्ट का मामला है उसमें ही अच्छी है, पर फॉर्च्यूनर तो अलग ही चीज हो जाती है। मैं कह रहा हूँ फॉर्च्यूनर में फीचर वाइज अच्छी है ये, तो इसमें फॉर्च्यूनर से ज्यादा फीचर्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फीचर बस ये है इसमें थोड़ी, ये सनरूफ आ जाती है, कई चीजें आजकल की नई गाड़ी बनी है, ये फॉर्च्यूनर थोड़ी पुरानी होली, ये तो फॉर्च्यूनर के सामने तो कुछ नहीं है। बाकी ड्राइव क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है स्कॉर्पियो से, जो पुराने वाली स्कॉर्पियो से ज्यादा। तो स्कॉर्पियो ने पहली बार अपनी गाड़ी में सनरूफ दी है जिसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है और काफी बड़ी है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं अच्छी है, बस थोड़ी और बड़ी दे देते तो थोड़ा और अच्छा लगता है इसका, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी में आगे ना इसका कोई फायदा भी नहीं है वैसे तो, ये तो बस ये है अपना शौक के लिए किसी को चाहिए, नहीं तो इतना कुछ फायदा नहीं है सनरूफ का ना, छोटी है वैसे तो, ये ज्यादा बड़ी भी नहीं है। तो अब हम आते हैं गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की तरफ, जो कि है सोनी की बैजिंग के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी में डोर में भी स्पीकर दे रखा है, डैशबोर्ड में भी 3 स्पीकर है और एक सेंट 12-13 स्पीकर है इस गाड़ी में। तो इस गाड़ी में जैसा कि विशाल जी बता रहे हैं 12-13 स्पीकर है, और यहाँ डैशबोर्ड में बिल्कुल सेंटर में मैंने पहली बार किसी गाड़ी में स्पीकर देखा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, इसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी कैसी है? इसकी ना मतलब ये ऐसा महिंद्रा ने दिया है कि इस गाड़ी में लेके बाहर से आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। तो अब हम गाड़ी का ऑडियो सिस्टम चेक करते हैं फुल वॉल्यूम पे। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि गाड़ी में बाहर से कोई भी सिस्टम लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेस है और यू कैन फील इट, कि कुछ म्यूजिक सिस्टम होते हैं आवाज़ जब आप बढ़ाओगे
तो आवाज फटती है, लेकिन सोनी ने काफी अच्छे स्पीकर्स दे रखे हैं और हमें बेस या किसी भी चीज को एनहेंस कराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है ना, मतलब काफी क्लियर है इसमें हर एक चीज। मतलब अरे मतलब देखोगे ना, पुरानी स्कॉर्पियो में आवाज ज्यादा आती थी बाहर से, तो इसमें ये भी महिंद्रा ने अच्छा काम कर रखा है, बाहर की आवाज इतनी ज्यादा नहीं आती, नॉइस बहुत नॉइस रिडक्शन का बहुत ज्यादा अच्छा वो दे रखा है इसमें जो भी है अपना। महिंद्रा की गाड़ियों में एक कमी बताई जाती है सबसे ज्यादा, जो आप सबने जिसने भी स्कॉर्पियो थार कोई भी गाड़ी चलाई है, वो है रोल ओवर की कमी। तो उसको ये किसी हद तक कम कर पाए हैं या पिछली स्कॉर्पियो जितना रोल ओवर है इस गाड़ी में? बिल्कुल भी इसमें कोई रोल ओवर नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। मतलब इन्होंने सस्पेंशन दिया इस बार, बहुत मतलब बढ़िया काम कर रखा है इस बार महिंद्रा ने ना इसके सस्पेंशन पे और चीजों पे भी। तो मतलब जब गाड़ी 100, 110 नहीं 160 तक भी कोई आप 160 की स्पीड में भी लाइन चेंज करोगे जब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। तो बिग थम्स अप टू महिंद्रा की, उन्होंने जो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी गाड़ियों में रोल ओवर की, उस पे काम किया है जैसा ओनर का कहना है विशाल जी का। तो अगर ऐसा है तो उन्होंने एक जो उनका सबसे बिगेस्ट पॉइंट था उसे टिक कर लिया। रोड पे कितना मतलब गड्ढा है सब कुछ, मतलब आपको पता नहीं लगेगा। तो गाड़ी में एक कम्फर्ट है, राइड कम्फर्ट स्टेयरिंग वगैरह मतलब सारी चीजें इतनी स्मूथ दे रखी है इस गाड़ी में, मतलब कुछ भी मतलब ले लोगे तो कई साल चलाओगे इसको। मतलब तो आप ये किन लोगों को कहेंगे कि ये गाड़ी लेनी चाहिए, किस सेगमेंट में आती है ये गाड़ी? ये आती है एसयूवी में, जिस आदमी को मतलब 25-30 लाख की उसमें रेंज में गाड़ी चाहिए होती है बढ़िया 7 सीटर फैमिली टाइप, वो आदमी बिल्कुल ले इस गाड़ी को। तो इस रेंज में इनोवा भी आती है, टक्कर देती है? देखो जी इनोवा टोयोटा अलग चीज हो जाती है, पर जो मतलब इनोवा होगी एमयूवी, ये होगी एसयूवी। इनोवा के साथ हम ऑफ रोड वगैरह कुछ नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा ऑफ रोड भी कर सकते हैं और कई चीजें हैं जो मतलब ऊंची भी है इनोवा से सारी चीजें हैं। तो किन लोगों को आप कहेंगे कि पुरानी शेप वाली स्कॉर्पियो ले और नई शेप किसके लिए है? देखो जी सबकी अपनी चॉइस है, तो फिर भी आपका क्या मानना है, आपके पास दोनों हैं तो दोनों के अलग यूज हैं, वो गाड़ी आपने किस लिए? जवान बच्चों के लिए अच्छी है ये जैसे, और जो थोड़े एजेड हैं उनको पुरानी लेनी चाहिए। ये तो विशाल जी का कहना है कि ये गाड़ी यंग रग्ड लोगों के लिए है। बिल्कुल, देखते हैं गाड़ी की एक्सेलरेशन। एक तो आप देखोगे गियर शिफ्टिंग का बिल्कुल पता नहीं लगता इस गाड़ी में ना, गियर शिफ्टिंग इतनी स्मूथ है इस गाड़ी की, थार की तरह बिल्कुल। थार में भी बहुत अच्छा है और इसमें भी, इसमें पता ही नहीं लगता कि महिंद्रा की गाड़ी चला रहे हो आप, इतना अच्छा मतलब इन्होंने गियर बॉक्स दिया इस गाड़ी का। तो अब आते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स पे, ये लेदर फिनिश दी गई है, पूरी गाड़ी में लेदर फिनिश है। यहाँ स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिल जाती है, बीच में सोनी के स्पीकर जो काफी स्टाइलिश रखते हैं, डिजिटल मीटर है देख सकते हैं, इस साइड भी फिनिश दी गई है। जो इसका फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे दे रखा है बैजिंग के बिल्कुल नीचे, मतलब ये एस्थेटिक लग रहा है और इसे नोटिस बहुत पास आने के बाद कर पाएंगे, ऐसा ही लगता है बैजिंग का ही पार्ट है। तो इस कार में 360 कैमरा नहीं दिया जाता है, लेकिन फ्रंट और बैक कैमरा दोनों है, जिसकी क्वालिटी कहीं हद तक ठीक है क्योंकि अभी थोड़ा अंधेरा हो चुका है, फिर भी ये काफ़ी अच्छी इमेज दे पा रहा है। स्कॉर्पियो ने कैमरे पे काफ़ी काम किया है, ये काफ़ी मिनिमल सा बूट स्पेस है, मतलब छोटे एक दो बैग हैं तो रख सकते हैं, वरना सीट्स फोल्ड होके ये काफ़ी स्पेशियस हो जाता है। अगर आप दो ही लोग हैं या चार लोग हैं, पीछे की सीट्स का यूज़ नहीं है तो काफ़ी सामान इसमें रख सकते हैं।